मोशन क्या है बच्चा? जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में या टाइम के कंपैरिजन में अपने पोजीशन को चेंज करता है, सपोज कीजिए कि वो यहाँ था, थोड़ी देर में यहाँ आ गया, तो चेंज हो गया ना पोजीशन में। पहले ए पोजीशन पे था, फिर बी पोजीशन पे आ गया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। तो मोशन को डिफाइन कैसे करेंगे? इफ़ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट ऑफ अ टाइम या विथ रेस्पेक्ट ऑफ स्टेशनरी बॉडी इज कॉल्ड मोशन। अब मोशन होगा तो डिस्टेंस भी कवर होगा। तो डिस्टेंस को क्या कहते हैं? कि जो एक्चुअल लेंथ होगा पाथ का। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ से हम गेट तक गए, तो एक्चुअल लेंथ यही है, तो ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस होगा। क्या होगा? डिस्टेंस होगा, समझ गए? लेकिन अगर जब हम यहाँ खड़े हैं और गेट तक गए, तो भी क्या होगा? डिस्टेंस होगा, क्योंकि यहाँ से हम सीधा जाएंगे, फिर आपको राइट लेके गेट तक जाएंगे। लेकिन अगर हमको डिस्प्लेसमेंट काउंट करना होगा, तो यहाँ से हम सीधा गेट के पास जाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? कि दो पॉइंट के बीच में, अब जैसे समझिए ये एक पॉइंट है, ए और बी है, और इनके बीच में जाने का रास्ता ऐसे है, ठीक। तो ये जो एक्चुअल लेंथ है पाथ का, उसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? और यहाँ से हम शॉर्टकट ले लिए और सीधा बी तक पहुँच गए, ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट बच्चा वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है? और डिस्टेंस क्या है? समझ में आया? स्केलर वेक्टर के बीच का अंतर जानते क्या होता है? स्केलर, जो नहीं जानते समझ लीजिए, स्केलर वो क्वांटिटी है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन उसमें डिफाइंड नहीं होता है। और डिस्प्लेसमेंट वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी डिफाइंड है, सॉरी वेक्टर वो होगा जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी क्या होगा? डिफाइंड होगा, समझे? क्या करेंट स्केलर में काउंट होता है, लेकिन 5 एम्पेयर करेंट किस डायरेक्शन में? किधर है डिफाइन बच्चा? जब भी मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन आएगा, इन दैट कंडीशंस द क्वांटिटी विल बी वेक्टर ओनली। अब समझिए, एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हम आपको कह दें कि हम 50 किलोमीटर जा रहे हैं, 50 किलोमीटर कहाँ जा रहे हैं ये पता है? किस डायरेक्शन में जाएंगे पता है? सिर्फ आपको इतना पता है कि हमको 50 किलोमीटर का डिस्टेंस तय, तो ये क्या हो गया? स्केलर हो गया। लेकिन अगर हम कह देंगे कि हम 50 किलोमीटर समस्तीपुर की तरफ जा रहे हैं, अब समस्तीपुर का डायरेक्शन तो स्पेसिफाइड है, वो फिक्स डायरेक्शन में ही है, ऐसा थोड़े कि हम उसकी तरफ जाएंगे तो वो ईस्ट से वेस्ट में चला जाएगा उठ के। तो जब वहाँ फिक्स डायरेक्शन है, तो वो कैसे किस क्वांटिटी में काउंट होगा? वेक्टर में। यहाँ तक समझ में आया? अब बच्चा, जब हम डिस्टेंस को ट्रेवल करेंगे, तो कुछ ना कुछ टाइम तो हमको लगेगा। तो जब डिस्टेंस और टाइम का रेशियो निकालते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? और जब डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो निकालते हैं, तो उसको वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। तो स्पीड को अगर डिफाइन करना हो, तो हम क्या कह सकते हैं? कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, इज कॉल्ड स्पीड। और वेलोसिटी को क्या कह सकते हैं? या कह सकते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। अब यही से दो और कंपोनेंट आते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, क्या होता है? और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
यूनिफॉर्म मोशन में क्या कहते हैं बच्चा कि इक्वल डिस्टेंस, अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कंप्लीट हो रहा है तो उस मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, और अनइक्वल डिस्टेंस, जैसे अगर ये ग्राफ देखिए यहाँ पे 0 सेकेंड है, 1 सेकेंड हो गया, 2 सेकेंड हो गया, 3 सेकेंड है, 4 सेकेंड है। अब देखिए यहाँ पे आपको कितना है, 1 मीटर है, अब देखिए ये जो लाइन जब सीधा गया, ये लाइन जब, ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट किया, यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट किया, क्योंकि पहले सेकेंड में कितना डिस्टेंस, फिर अगर इन दोनों के बीच का गैप देखें तो कितने सेकेंड का, और इन दोनों के बीच का गैप तो फिर दूसरे सेकेंड में भी कितना, 1 मीटर। मतलब हर एक टाइम इंटरवल के स्लॉट में क्या हो रहा है, डिस्टेंस इक्वल ही तय हो रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ही ट्रेवल हो रहा है। लेकिन अगर यही ग्राफ आपको ऐसे बन जाता, यही ग्राफ कर्व बन जाता, तो वो किसको रिप्रेजेंट करता, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता, समझ गए। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा कि अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या कह सकते हैं कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होगा अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, दोनों में से कोई एक ना एक बदमाशी कर ही देगा, समझे, तभी नॉन यूनिफॉर्म कंसीडर होगा, समझ गए। कोई दिक्कत यहाँ तक, वेलोसिटी समझे। अब देखिए कि हम लोग बराबर यूज करते हैं न्यूमेरिकल में कि ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। अब सपोज कीजिए कि आप साइकिल चलाना शुरू किए, साइकिल जब आप चला रहे हैं तो क्या एक ही बार में आप हाई स्पीड में स्टार्ट हो जाते हैं, या कार चला रहे हैं तो क्या एक ही बार में कार 100 का स्पीड पकड़ लेता है, पहले वो 0 से स्टार्ट होता है, जब वो स्टार्ट, हाँ देख लिया मेरे ऊपर ही पहले गिरा, जब वो 0 से स्टार्ट होता है तो जो उसका स्टार्टिंग वैल्यू वेलोसिटी होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, इनिशियल कहते हैं, और एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद जिस वेलोसिटी पे वो जाके क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है, उसको कंटिन्यू करना शुरू कर देता है, उसको फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। लेकिन बच्चा ये कॉन्सेप्ट में फिर आगे क्या होगा कि अगर कोई कार ऑलरेडी चल रही है और वो रुक जाती है तो जिस स्पीड में वो पहले चल रही थी वो क्या कंसीडर होगा, इनिशियल, और रुक गई तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 0। फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 0। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब एक भाई साहब आ जाते हैं वेलोसिटी के बीच रिलेशन बताने के लिए, उनका नाम है एक्सीलरेशन, ठीक है, और ये कहते हैं कि जो वेलोसिटी में चेंज होगा, जो वेलोसिटी में तो चेंज होगा मतलब क्या, फाइनल में से इनिशियल जाएगा, और इस चेंज होने में जो टाइम लगेगा उसका जो रेशियो होगा वो क्या कहलाएगा, एक्सीलरेशन कहलाएगा। एक्सीलरेशन का यूनिट होता है बच्चा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समझ गए। तो जो वेलोसिटी में चेंज होगा तो क्या कहेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब जरा ग्राफ में समझ लेते हैं, यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ देख लिए, अब जरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख लीजिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या कहता है कि जैसे सपोज कीजिए कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है, एक ही ग्राफ में आप सब समझा दे रहे हैं आपको। अब देखिए कोई ऑब्जेक्ट जब यहां से मूव किया, जब ये लाइन सीधी है अप टू ओ टू ए बी सी, तो यहां से यहां तक क्या है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, क्या है, फिर यहां वेलोसिटी क्या हो गई ऑब्जेक्ट की,
और फिर यहाँ रिटार्डेशन हो जाएगा, क्या होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट अब किस तरफ जा रहा है, डाउन में, वेलोसिटी यहाँ जीरो नहीं हो गई, एक्सेलरेशन जीरो हो गया, समझे, वेलोसिटी जीरो नहीं हुआ, एक्सेलरेशन जीरो हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया इस जगह पे जाके, क्या हो गया, समझ गए। ये वीटी ग्राफ था, फॉर्मूला भी प्रूफ करके दिखाए। देखिए तीन फार्मूला आपको पढ़ना है, एक है वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो एक्सेलरेशन का जो फार्मूला आप पढ़े हुए हैं कि ए इक्वल टू वी माइनस यू, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, बच्चा इसी से वो फार्मूला डिराइव होता है। अब देखिए टी यहाँ डिनोमिनेटर में है, इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई कर देगा और इक्वल टू हो जाएगा वी माइनस यू, और वी इक्वल टू हो जाएगा यू प्लस, समझ में आया। अब s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी को स्क्वायर को अगर हम प्रूफ करें तो यहाँ कह देंगे कि जो डिस्टेंस होगा s होगा वो क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम, और एवरेज वेलोसिटी कब होगा, जब u प्लस वी बाई टू होगा और इंटू t होगा। अब बच्चा यहाँ पे यूज v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ पे s इक्वल टू हम लिख देंगे u तो रहेगा ही, v के जगह पे क्या लिख देंगे, u प्लस अपॉन इंटू t, और इधर लिखेंगे तो s क्या हो जाएगा, 2u हो जाएगा प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू t, तो s हो जाएगा बच्चा 2u अपॉन 2 प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी, तो 2 से 2 कैंसिल, तो s इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, यू टी अपॉन हाफ ए टी स्क्वायर, ये समझ में आया। अब जरा देखिए v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसमें क्या कहता है कि यहाँ भी वही कंडीशन है, s क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है, तो s इक्वल टू हो जाएगा u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी, यहाँ यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी को यूज किए तो बच्चा ए टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू होगा, और t इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस t की वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, v प्लस यू अपॉन 2 और इंटू v माइनस वी माइनस यू अपॉन ए, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्योंकि मैथमेटिकल फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी और अपॉन 2a, तो बुआ ये 2as इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा, और इसी को अगर हम रीअरेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब इसमें आएगा एक ग्राफिकल मेथड, क्या ये किसी को नोट भी करना है क्या, न्यू स्टूडेंट में कोई, अब देखिए ग्राफिकल में क्या होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है यहां से यहां तक मूव किया तो यहां से यहां उसका क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, फिर यहां से ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगा तो ये क्या हो गया हमारा, तो ये जो स्लोप दिखा रहा है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहां से यहां तक जो कंप्लीट वेलोसिटी है वो क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। अगर इसका नाम लिख दे ओ ए बी
सी डी ई। तो बच्चा ई सी इक्वल टू अब क्या पढ़े, भी, यही ना। और अगर हम सी डी निकाले, सी डी क्या हो जाएगा हमारा, ई सी माइनस ई डी होगा, होगा ना। तो सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई सी क्या था हमारा, भी, और ई डी किसके बराबर होगा, ए ओ के बराबर होगा, यू। अब निकल गया, अब सी डी इक्वल टू भी माइनस यू है। अब जरा हम इन ट्रायंगल ए सी डी देखें तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, सी डी इक्वल टू ए सी बाई ए डी भी हो जाएगा, ए सी बाई। तो यहां हम लिख देंगे कि ए सी अपॉन ए सी बाई ए डी थोड़े होगा, ए सी इंटू ए डी हो जाएगा, ए सी इंटू ए डी। तो ए सी इंटू ए डी अगर हम सी डी के बराबर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी माइनस यू हो जाएगा। नींद आ रही है आपको, तो ए सी किसके बराबर है, ए के, और ए डी टी के। तो बी माइनस यू, बी इक्वल टू क्या हो गया, यू प्लस ए टी। समझ में आया, कितने लोगों को नहीं समझ में आया बताइए। चलिए सेकेंड इक्वेशन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड इक्वेशन में क्या कहता है, डिस्टेंस जो होगा वो किसके बराबर होगा, बच्चा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए रेक्टेंगल के लिए बस हम साइन बना रहे हैं, ओ ए डी ई, समझ गया। तो ट्रायंगल का एरिया क्या निकालेंगे, डिस्टेंस को तो एस से रिप्रेजेंट कर देंगे, हाफ इंटू ए डी इंटू सी डी, यही ना। और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए डी क्या बनाएंगे, ए डी इंटू डी ई, ए डी इंटू डी ई, तो हाफ ए डी क्या हो जाएगा हमारा, टी होगा। और सी डी हम लोग पिछले इक्वेशन में किसके बराबर निकाले थे, ए टी के बराबर, और ये ए डी किसके बराबर है, टी के, ठीक है बच्चा, इसके पैरेलल है, ये वाला टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला वेलोसिटी को। तो ए डी हमारा किसके बराबर है, टी के, और डी ई किसके बराबर है, यू के। तो एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी हो गया, इसको जब रीअरेंज करेंगे तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा हमारा, समझ में आया। और सेम इसी पे हम लोग इसको भी प्रूफ करेंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस, ठीक है। यहां भी डिस्टेंस जो हो जाएगा वो किसके बराबर होगा बच्चा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ओ ए सी ई, और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हम क्या पढ़े हुए, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो बच्चा ई सी एक पैरेलल, ई सी और ओ ए एक दूसरे के क्या है, लिख देंगे यहां ई सी प्लस ओ ए, ई सी प्लस और इंटू हाइट, हाइट क्या है, आइदर हम ए डी को ले सकते हैं या, तो ए डी हो गया, ठीक है। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ई सी क्या था हमारा, वी, ओ ए क्या था, और टी, एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी प्लस यू अपॉन और इंटू टी, और एलिमिनेट टी, एलिमिनेट टी यूजिंग वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो टी को एलिमिनेट करेंगे तो टी इक्वल टू हो जाएगा वी माइनस यू अपॉन, तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी प्लस यू अपॉन टू
और टी को जब हम एलिमिनेट किए तो वी माइनस यू अपॉन ए, फिर वही कंडीशन हो गया बच्चा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए, और टू ए एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस, तो इसको रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब बात करते हैं बच्चे सर्कुलर मोशन की। किसकी? सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उसके मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं। सर्कुलर मोशन जो होगा हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन होगा। क्या होगा? समझ गए? लीनियर मूवमेंट जो होता है वो एक्सेलरेटेड नहीं भी होगा, लेकिन सर्कुलर हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन होगा। क्लियर? यहाँ पे एक्सेलरेटेड करने का मतलब कि उसमें बार बार आपको क्या करना होगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। बिना फोर्स लगाए वो मोशन क्या रेगुलेट नहीं होगा। जैसे आप मौत के कुआं में जो बाइक चलाने वाले को देखते हैं तो देखिएगा, जब वो बाइक ऊपर घुमाता रहता है तो एक्सेलरेटर पूरे लिए रहता है, गाड़ी का एक्सेलरेटर हाई रखता है। जैसे ही वो एक्सेलरेटर को छोड़ेगा वो किस तरफ जाएगा? नीचे की ओर चलना शुरू हो जाएगा। समझे? तो सर्कुलर मोशन क्या होता है? एक्सेलरेटेड मोशन होता है। या फिर आप बचपन में कोई पत्थर या कोई खिलौना बांध कर घुमाए होंगे रस्सी में, जब रस्सी में घुमाते तो क्या करते, जब तक ये हाथ घूमता रहता था तब तक तो वो अपने पोजीशन पे घूम रहा था, लेकिन जैसे ही हाथ को आप स्टैटिक किए क्या हुआ, उसका धीरे धीरे स्पीड कम होते होते वो नीचे की तरफ आ जाता है। समझे? तो जब तक उस पर फोर्स लगेगा तब तक वो मूव करेगा। समझ गए? उसके बाद सर्कुलर पाथ पे हम लोग डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, तो जो सर्कल का बच्चा सर्कमफेरेंस होता है, जैसे अगर कंसीडर कीजिए कि ये सर्कल है, अगर कोई इसके एजेज पे घूम रहा है, ये लाइन पे घूम रहा है, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा इस सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होगा? तो डिस्टेंस जो हो जाएगा वो 2πr के बराबर होगा। किसके? और स्पीड क्या हो जाएगी? 2πr अपॉन टी। अब इस सर्कुलर पाथ पे उसको घूमने में जितना समय लगा होगा वही उसका क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा। हम तो बोले जब जितना समय लगेगा घूमने में, तो 2πr सर्कमफेरेंस है यानी कि डिस्टेंस कवर्ड है, और जब उसमें जो टाइम मिल गया तो दोनों का रेशियो निकाल लेंगे तो क्या होगा? स्पीड होगा। अब बच्चा एक चीज़ समझिए, डिस्टेंस आपको कभी भी जीरो नहीं होगा। डिस्टेंस किसी भी कंडीशन में जीरो लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। जैसे अगर एग्जांपल में समझना है तो समझिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से ए पोजीशन से बी पोजीशन गया, तो ए से बी अगर डी किलोमीटर है तो यहाँ से बी गया तो डी किलोमीटर, फिर रिटर्न बी से ए आया तो अगेन डी किलोमीटर, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 2D। लेकिन बच्चा जब वो यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से यहाँ गया तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ही अभी है ना, कोई डिस्प्लेसमेंट तो नहीं दिख रहा है, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो हो गया। समझ गए? एक्सीलरेशन कम निगेटिव होगा। जब फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो इनिशियल वेलोसिटी के कंपेरिजन में कम होगी, कंपेरिजन में उस कंडीशंस में हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। और जब एक्सेलरेशन निगेटिव होगा तो उसको क्या कहेंगे? रिटार्डेशन कहेंगे। समझ में आ गया? दूसरा कंडीशन, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, क्या होगा? और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है। समझ गए? कोई दिक्कत यहाँ तक? यही आपका मोशन का एक शॉर्टकट वीडियो था जो एकदम शॉर्ट में पूरा समझा दिया गया आपको। इक्वेशंस भी हो गए दोनों मेथड से, जो चैप्टर्स थे वो भी हो गए कंप्लीट। अब इसमें जो आपको डाउट्स हो, किसी को भी वो डाउट, बच्चा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी सब की कहानी एक ही है। आप सर्कुलर पाथ पे अगर यूनिफॉर्म मूवमेंट कर रहे हैं, यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है अगर सर्कुलर पाथ पे, तो उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। ठीक है? यूनिफॉर्म का मतलब क्या? एक समान।
एक समान, और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब अलग अलग, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मोशन में अब जरा समझिए कि एक स्ट्रेट पाथ है, ठीक है। तो जब पाथ ही स्ट्रेट है तो या तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, तो स्पीड और वेलोसिटी का क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, स्पीड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा। लेकिन वह कंडीशंस क्या लिखेंगे, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ स्ट्रेट पाथ, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ, अगर पाथ स्ट्रेट नहीं है, इन दैट कंडीशन स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कभी सेम नहीं होगा, दोनों की यूनिट सेम होती है मीटर पर सेकेंड। समझ गए, एनी डाउट? अब जरा देखिए, इसी में बता रहे, ए से बी तक गया, अब बी से यहां आ गया फिर आधा, ठीक है। तो अब क्या हो गया, निगेटिव नहीं होगा, डिस्टेंस तो पॉजिटिव होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, अरे यहां से यहां गया तो डी गया, और डी से फिर वापस जा रहा था तो डी बाई टू हो गया, यही ना। तो क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई, समझ गए। और कोई डाउट आप लोगों को? जी सर बोलिए। कह रहा है कि अ कार ट्रेवल्स 1/4 ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस आर, बच्चा सर्कल को अगर हम डिवाइड करें तो कहा 1/4, यानी कि 1 क्वाड्रेंट के बराबर ही वो ट्रेवल किया है, यहां वाला ट्रेवल किया है एरिया, 1/4 ऑफ द सर्कल विथ रेडियस आर, इसका रेडियस क्या है आर, सेंटर क्या है ओ। तो कह रहा है कि रेशियो ऑफ द डिस्टेंस टू इट्स डिस्प्लेसमेंट, पकड़िए, डिस्टेंस क्या होगा, ये जो आर्क का लेंथ होगा, यही ना। तो डिस्टेंस हम क्या बताए थे सर्कुलर पाथ पे, 2πr, लेकिन वो कहा कि 1/4 ही किया है, कितना, तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो पाई आर अपॉन 2, बच्चा ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस होगा, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जब इस पोजीशन से हम डायरेक्टली एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दें, तो अब देखिए कि ये ओ ए बी मिलके क्या बना रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। तो आपको मैथ्स का एक पाइथागोरस थ्योरम याद होगा कि जो ए बी स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर। तो ए बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2r होगा। जब ए बी रूट अंडर 2r आ गया तो दोनों का अगर हम रेशियो निकालें तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट तो ये हो जाएगा पाई r अपॉन 2 और रूट 2r, यही है ना। तो r से r कैंसिल होगा, फिर क्या बचेगा, पाई अपॉन, यही आंसर है ना, यही रेशियो है आपका। समझ में आ गया? Yes, sir. कोई दिक्कत? No,